Hello student, I am Arshit sir, your math teacher. Now today I start logarithmic tables detail. अब देखिए जैसे यहाँ पे मुझे बताइए मैंने चालू जो किया था logarithmic function, ठीक है वो टॉपिक के बारे में मैंने बताया एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना पड़ता है, उसके बाद पावर का क्या होता है, ठीक है बेस का मीनिंग क्या होता है, चेन बेस क्या होता है, डिनोमिनेटर और इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, सभी बातें हो गई बराबर है। बट अब हम पढ़ने वाले अप्लीकेशन। पर्टिकुलर अप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि जैसे लॉग टेबल हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे देखा होता है, जैसे अब देखिए यहाँ पे जो लॉग टेबल हम देखिए, ये एक लॉग टेबल, ठीक है लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है आपको ये लेना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको कि लॉग टेबल ले लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए हमें लॉग टेबल के बारे में आता है, ठीक है। अब देखो लॉग टेबल में सबसे पहले फ्रंट पेज वो तो रह गई, ठीक है। अब देखिए लॉग टेबल ये सिर्फ 70 रुपीज का है, 17 रुपये का, ठीक है 70 रुपीज। तो ऑब्वियसली गांधी बूढ़े को से लेंगे तो 2 रुपये डिस्काउंट हो जाता है, अपने को 15 रुपीज में ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये जो लॉग टेबल है इसमें हमें नंबर ऑफ यूज है इसके, ठीक है ना। अब ये सभी हम डिटेल देखेंगे इसके, ठीक है। अब देखो जैसे आप ध्यान दीजिए लॉग टेबल में, ठीक है पहला पेज होने के बाद सेकंड पेज, ठीक है देखिए हमें जैसे कुछ डिटेल दी है, ठीक है सम कन्वर्शन फैक्टर दिए, ये हमें तो काम में आएंगे बट सभी जगह पे नहीं, बट सब जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कुछ जगह पे आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें मिसलेंस के बारे में दिया, देखिए ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये फिजिक्स में सभी आपको फिजिक्स के काम में आएगा, ठीक है। एक मिनट सर, फ्रंट पेज पे आपको कुछ सिंबल दिए, ठीक है देन उसके बाद उसके बारे में हमें दिया है डिटेल में, सबसे सभी बातें दी है उसमें, ठीक है। अगर आप देख लेंगे हमें ये जो टॉपिक है, ठीक है जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनको ये सेट रिलेशन एंड फंक्शन में काम है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, बट अभी फिलहाल में सिर्फ हमें ये डिटेल लॉगरिथमिक टेबल के बारे में डिटेल बननी, ठीक है। अब देखो जैसे आप, ठीक है थर्ड इसमें सभी दिया है, वो यन का मीनिंग पता है नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू मीन्स होता है होल नंबर, आई मीन्स होता है इंटीजर, उसके बाद जैसे क्यू मीन्स होता है रैशनल नंबर, ठीक है देन उसके बाद क्यू हो गया, उसके बाद आर सेट ऑफ रियल नंबर, आर मीन्स दैट द रियल नंबर, ठीक है ये सभी दिया है, ठीक है। उसके बाद ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ये बात भी दी है। तो ये जो है ना ये हम मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, कहाँ जब हम सेट पढ़ेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन ये टॉपिक रहेगा तब मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में सब डिटेल, ठीक है टोटली डिटेल में उस टॉपिक बताऊंगा। हमें सिर्फ यहाँ पे लॉग टेबल के बारे में पढ़ना है क्योंकि लॉग टेबल 15 रुपीज का है, ठीक है ना। ये लॉग टेबल बोलने के बाद आपको ऐसा लगे टेबल है सर, तो ये 2500 या 3500 ऐसा कुछ अमाउंट का नहीं है, सिर्फ हमारा 15 रुपीज का है, ठीक है। तो आप कैसे भी ले लीजिए, ले लिया होगा तो अच्छा है, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पे मुझे यही बताना है आपको, ठीक है इसमें हमें अलग अलग दिया, देखो जैसे यहाँ पे अलजेब्रा, यहाँ पे इसमें यूज क्या अलजेब्रा में, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है ये तो बात दिए। उसके बाद कॉर्डियन ज्योमेट्री, कॉर्डियन ज्योमेट्री में यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला ये 10th में हुआ है आपका, क्लास 10 में था, जब उसके बाद सेक्शन फार्मूला ये भी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन फार्मूला आपको इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन ये दिया है, उसके बाद मिड पॉइंट, ठीक है ये भी दिया है अपने को, सेंट्रोइड का फार्मूला दिया है इसमें, स्लोप का फार्मूला दिया है, फिर उसके बाद स्लोप का आपको हाँ जैसे CBSE को तो नहीं बट स्टेट बोर्ड जिनका होगा उनको स्लोप पता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्लोप के बाद एक्यूड एंगल के बारे में दिया है, एक्यूड एंगल नहीं पता आपको, हम बाद में देंगे डिस्कस ऊपर उसके ऊपर देंगे। उसके बाद मेंसुरेशन, ठीक है अब देखिए मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने रेक्टेंगल, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद ट्रेपेजियम, उसके बाद रोम्बस, ये सभी बातें इसमें दी होंगी। देखिए रेक्टेंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है, इलिप्स दिया है, सिलेंडर दिया है, सिलेंडर कैसे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्लैंट हाइट पता है ना आपको, पता है स्लैंट हाइट, हाँ जिनका सभी को पता है स्लैंट हाइट क्या होती है, तो ठीक है उसके बारे में दिया है, स्पीयर के बारे में दिया है, ठीक है। ये देख लीजिए आप पेज नंबर है 4, क्योंकि ठीक है तो 30 रुपीज का भी रहता है बट ये लॉग टेबल से आप सभी काम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको लॉग टेबल के बारे में, ठीक है। उसके बाद एरिया दिया, वॉल्यूम दिया, क्योंकि ये देखिए ये आपके काम में है,
तो आप क्या करिए कि मेंशनेशन का टॉपिक लिख के उसमें आप, जैसे मैंने बताया था आपको कि अलग सेपरेट एक बुक है, ठीक है, उस बुक में आप लिख के रखिए सर हमारे पास है ना, हम किस लिए लिखे। देखिए अगर आपके पास है बट अगर एक सेपरेट बुक करके रखेंगे आप तो कौन सा टाइम लगेगा, क्या होता है पता है क्या, हर बार हम ये बुक्स देखेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, क्या होता है हम कुछ अपडेट भी बता सकते हैं आपको, अगर आपके पास बुक्स में होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया मैं, और थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या होता है हम बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, ठीक है ना, पहले से खुद आलसी होते हैं इसलिए हमें पता नहीं, क्योंकि यार है ना सर हम काय के लिए करें, ऐसा करने से अच्छा करके रखिए, क्या होता है हमें यही काम, ठीक है ना, क्योंकि हमें टारगेट अभी से सेट करना पड़ेगा तभी हम सक्सेस हो सकते, नहीं तो फिर नहीं हो सकते, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो इसके बाद हमें दिया है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमने थोड़े से फॉर्मूले पढ़े बट हमें नंबर ऑफ फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है, और उसका टेंशन मत लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी पोर्शन है, सबसे ईजी पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले रहते हैं वो पहले आप बनाइए उसके बाद उसको देखिए, क्योंकि आपको इजीली समझ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का आपको ज़्यादा, तो यहाँ पे ये है आपको, आप देख लेना, उसमें टेबल भी दिया आपको, ये टेबल देख लेना, ठीक है। उसके बाद हाँ अब हम आते हैं लॉगरिथम, ठीक है, पेज नंबर है 6 नंबर से, ठीक है, क्या पढ़ना है हमें लॉगरिथम, ठीक है, तो अब देखिए इसे लॉगरिथम में क्या होता है, देखो ठीक है लॉगरिथम में, ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो लॉगरिथम है, ठीक है, देखो जो लॉगरिथम है पर्टिकुलर, इस लॉगरिथम में हमें जो पढ़ना है, ठीक है, इसमें तीन पार्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अब देखो तीन पार्ट क्या क्या है, ठीक है, यही हमें देखना है। देखो जैसे सबसे पहले अब ये तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ देखो इस लॉगरिथम में आपके पास होगा तो देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहले ही बताया था आपको कि लॉग टेबल रखिए आपके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो भी है ना नंबर, देखो ये नंबर है, ठीक है, दिखे नंबर आपको, उसके बाद उस नंबर के बाद आपको ये देखो यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये हो गया नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा है मेन डिफरेंस, ठीक है, क्या लिखा है कि मेन डिफरेंस, ठीक है ना, मेन डिफरेंस, ठीक है, मेन डिफरेंस में लिखिए 1, 2, 3, 4 एक मिनट थोड़ा सा पास में लिखता हूँ, आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ओके ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पर रहेंगे नंबर, जो कुछ नंबर रहेंगे वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आप इसको क्या बोलते हैं मेंटिस, वहाँ पे लिख के नहीं है इसको आप मेंटिस बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो जैसे आए तो बाइफरकेशन कैसे किया मैंने, देखो ये नंबर, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे क्या रहेगा नंबर, उसके बाद मेंटेशन है, उसके बाद है मेन डिफरेंस, ठीक है। अब ये क्या होता है यही तो हमें पढ़ना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है बताइए क्या, यहाँ पे जो लॉगरिथम दिया है, ठीक है, ये जो लॉग दिया है हमने ये किसका होता है क्या, बेस 10 रहता है, इसमें बेस में क्या है देखिए 10 रहता है, लॉग बेस 10, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है लॉग बेस 10, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि सभी इसमें लॉग बेस 10 रहते हैं, ठीक है ना, ओके ध्यान रखना, क्योंकि देखिए लॉग बेस 10 अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में, क्योंकि यहाँ पे हर एक इसमें बेस में 10 रहता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें मैंने आपको तीन इसमें बताया नंबर मेन डिजाइन मेन डिफरेंस, और ये नंबर के पहले हमें अगर कोई किसी भी नंबर को अगर दिया है, देखो सभी का प्रॉब्लम ये है कि सर लॉग टेबल हमें पढ़ना क्यों, ठीक है ना, क्योंकि सभी का प्रॉब्लम यही है सर हमें लॉग टेबल ही क्यों पढ़ना है, और आप लॉग टेबल क्यों पढ़ा रहे हैं,
देखो लॉकडाउन पढ़ने के पीछे रीजन ये है क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इवन मैथ में भी जो न्यूमेरिकल की वैल्यू रहती है वो बड़ी रहती है, फिर मुझे बताइए विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उसे, आया क्या समझ में। क्योंकि देखिए विदाउट कैलकुलेटर अगर आपको सॉल्व करना है तो फिर आप कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए सब नंबर जैसे ना 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई 5, 3 है, ओके। देन उसके बाद अब यहाँ पे आप इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट अब इन टू ठीक है 1.7 इंटू 10^5 दिए तो फिर थोड़ा डाउट आएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसको मुझे सॉल्व करने के लिए, तो फिर क्योंकि देखिए लॉग टेबल जो रहता है ये किस पर्पस के लिए, जैसे ये जो है ये जैसे ये एग्जांपल दिया आपको ये वैल्यू बी है, आपको अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोला तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जाएगा, ठीक है ना, हार्ड तो जाएगा ना। तो अब देखिए जैसे आगे सपोज आपने इस एग्जाम्पल टाइम दीजिए, जैसे मैंने इसको क्या बोला, देखो मैंने इसको बोला एक्स, मैंने क्या बोला इसको एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने इसको x बोला है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वैल्यू x की होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ओके। अब अगर log अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा log x इक्वल्स टू log इन इफेक्ट 2, 3, 5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3, 1 इंटू ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं फिर का, ठीक है, इंटू 1.7 इंटू 1.7 इंटू 10^5 क्या है, देखिए इंटू 10^5, ठीक है। अब ये जो नंबर दिया है, ठीक है, ये नंबर हमें दिया है, अब इसको अगर लॉग अगर अप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा, बताएंगे लॉग, मैंने आपको बताया आपको याद होगा तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखे थे सेकंड क्लास में, क्लास नंबर 2 लॉगरिथम का, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास 2 में मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, ठीक है। अब अगर समझो ये लॉग अगर अंदर लेके जाएंगे यहाँ पे इसके बेस में क्या रहेगा, यहाँ पे बेस में, ठीक है। अब देखिए ये लॉग बेस में आप अंदर लेके जाए जिसके आपको देखिए देखो सपोज लॉग बेस में अगर अंदर आ गया तो आपको लॉग बेस 2357 प्लस लॉग बेस 531 प्लस, ठीक है ध्यान दीजिए बढ़िया एग्जांपल है ये नंबर, ठीक है, प्लस लॉग, ठीक है, बेस 1.7 बेस 1.7 एंड प्लस, अब देखो इंटू 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 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये भी प्लस और यहाँ पे भी क्या है प्लस मीन्स, अब देखिए लॉग, ठीक है ध्यान बेस 10 10, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए 5, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये तो आपको समझा मैंने जस्ट बताया है आपको, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, मुझे आपको सिर्फ समझाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है ना, आपने सिर्फ मैंने क्या किया फिर लॉग टेबल अप्लाई किया, ठीक है, बट हमने अभी और पढ़ना है, ठीक है। अब देखो जैसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ये तो आपको समझ में थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, हम उसको बाद में कंटिन्यू करते हैं, देखिए देखो ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, जैसे अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना, मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे फर्स्ट वर्ग log बेस 10, ओके 2357, ठीक है। अब देखो जैसे हाँ ये हमारे पास log टेबल, ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ता है log टेबल में सबसे पहले अभी भी ध्यान में रखिए log टेबल में जो कुछ टर्म दी है, ठीक है, जो टर्म दी है आपको log logarithm, ठीक है, उसके बाद एंटीलॉग, एंटीलॉग के बारे में बताऊंगा मैं, पहले log टेबल के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो log इसमें बेस 10 होगा, बेस 10 के पहले कुछ भी रख दिए क्या, वो देखो
लॉग बेस्टिंग के मैंने कुछ भी नहीं दिया, बराबर है। इसके पीछे रीजन क्या बताया गया, बस आपको जो नंबर लेना है वो टू डिजिट ही नंबर लेना है। आपको जो कुछ नंबर लेंगे कॉइन पे रहा तो भी चलेगा, पैसा भी रहा तो भी चलेगा। अगर समझो कि हाँ भी दिया है आपको लॉग फाइव दिया है तो आप इसके आप इसके बारे में बताएगा फिफ्टी ले लूँगा फाइव जीरो, ठीक है ना, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमें वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें सिर्फ आज पूरा लॉग टेबल ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम कल से न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल लेना है हमें, बट हमें पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता, पहली मेथड फर्स्ट मेथड देखिए, जब हम लॉग टेबल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने डिजिट पॉइंट के पहले डिजिट कितने हैं। जैसे पॉइंट के पहले डिजिट में इसके देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने, 1, 2, 3, 4, और ये सभी पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद कुछ भी तो नहीं है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिजिट काउंट करना है। टोटल डिजिट कितने हैं यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, ये जो 4 डिजिट है ये पॉइंट के पहले सब डिजिट है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व अगर करेंगे ना 2357, ये टोटल जो नंबर दिया, ये टोटल नंबर यहाँ पे जो दिया है, ठीक है ना, अगर इसको मुझे सॉल्व भी करना है तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे। अब 4 डिजिट में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो 4 डिजिट है उसमें से एक डिजिट कम होने से आ फोर में से वन माइनस कम में है, कोई भी नंबर रहा तो आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक ही एग्जांपल के ऊपर से आपको सभी डिटेल बताता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, माइनस देखो, फोर में से वन माइनस है, आंसर क्या है, 3 पॉइंट, ध्यान दीजिए 3 पॉइंट, ठीक है। अब देखो आप मुझे बताइए 3 पॉइंट लिखा मैंने, अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉग टेबल के ऊपर पहले क्या क्या देखा, मैंने डिजिट देखा, ठीक है। देखो आप बोलेंगे सर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, सर यहाँ पे तो 4 डिजिट है इसलिए आपने बता दिया, 3 डिजिट है तो क्या करें, 4 डिजिट है तो क्या करें, पॉइंट में रहा तो क्या करें, सभी को डाउट आए होंगे, मैं यहाँ पे सभी के डाउट क्लियर करके देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉग टेबल हमें सिर्फ यहाँ पे लॉग टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें जो जो सभी बातें आपको मैं कल डिटेल से पूरा डिटेल में बताऊंगा, पहले लॉग टेबल तो पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो मुझे बताइए लॉग बेस थे 2357, ये जो नंबर दिया है, ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, इस नंबर में पॉइंट के पहले देखिए नंबर पूरे के पूरे पॉइंट के पहले, यहाँ पे टोटल काउंट अगर करेंगे आप तो कितने होंगे नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 4 में से एक माइनस किया 3 लिखा है, यहाँ तक ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो लॉक टेबल है सभी नंबर टू डिजिट नंबर के लिए, यहाँ पे ये दो हुए नंबर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे देखो 23, ठीक है, ये जो 23 का इसे आप देखिए 23 का है, ये देखो यहाँ पे 23, ठीक है, 23 का इसमें देखेंगे, देखिए 5 मेंटेशन क्या आ रहा है, 5 इस यहाँ पे जो नंबर रहे देखिए 23, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, देखो 23 जो नंबर है, ठीक है, अब यहाँ पे नंबर क्या रहेंगे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, बराबर ऐसे नंबर दिया, देखो उसमें सब दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे मीन, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, अब यहाँ पे आपको क्या नंबर दिया था देखो 20, आपको क्या करना पड़ता है 23 का 5 में से यहाँ पे कहाँ देखेंगे आप 5, यहाँ पे जो नंबर दे देंगे 23 का 5 में भर देखेंगे आप, यहाँ पे नंबर क्या देखो 23 का 5 में, कितना नंबर है देखो 3711, लिख लीजिए 3711, देखो देख लीजिए 23 का दिख रहा है क्या आपको, देखो नहीं रहा होगा, ठीक है, देखिए 23 का आपको किसमें देखना पड़ेगा, 5 में मेंटेशन देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका अमाउंट आया है 371, उसके बाद आपको 7 में, ठीक है, ये जो 7 दिया है 7 किसमें देखिए आप मीन डिफरेंस, क्योंकि 4 डिजिट ही देखना पड़ता है लॉग टेबल में, आपको सिर्फ 4 डिजिट देखने हैं, नंबर कितना भी बड़ा मान था आपको उसको सॉल्व करते वक्त सिर्फ आपको 4 डिजिट को ही देखना पड़ेगा, उसके सामने जो नंबर रहेगा उसका बेस नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम,
कि आपको सिर्फ फोर डिजिट नंबर देना होगा, राउंड अप करके आपको हेलो को देना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया 23 का हमने देखा 5 है 3711। जब उसके बाद मेन डिफरेंस देखिए, मेन डिफरेंस कितना 7 में देखिए, यहाँ पे ये देखो 7 में कितना नंबर दिया है 13। ठीक, ये जो 13 है मैंने यहाँ पर दिया, अब इनकी दोनों की प्लस में देखिए 12 वैल्यू हो जाती है 4 2 7, आपकी अमाउंट 3.3732। ओके, ये है आपका, ठीक, ये वैल्यू आप लिख लीजिए, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, मैंने आपको ये बताना था, ठीक है। अब आपने यहाँ तक हो गया, अब हम ये जो वैल्यू है इसी के ऊपर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो समझो, यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। समझो लॉग बेस 235.7 दिया, कितना दिया देखिए 235.7। तो यहाँ पे सब बाकी अगर रहेगा जो कैरेक्टर है उसको देखो, जैसे यहाँ पे जो बताइए पॉइंट के पहले कितने नंबर देखिए, पॉइंट के पहले नंबर कितने देख लीजिए, यहाँ पॉइंट के पहले 3 नंबर है, 3 में से 1 माइनस करने जाके ना देखो 2 पॉइंट, बाकी अगर जो आंसर आएगा वो तो ऐसे रहेगा ना 3 7 2 3 7 2। सेम लॉग बेस 23.57 दिया, कितना दिया देखिए 23.57। तो यहाँ पे क्या होगा सेम वैसे, अब आपको क्या करना पड़ेगा 23 पॉइंट के पहले वैल्यू कितनी है 2 है, अब आपको क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे से आते हैं 1.3722, ठीक है। उसके बाद लॉग बेस 2.357, ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है देखो 2 में से एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 1 डिजिट में से 1 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे क्या होगा 0.3724। आया समझ में, देखो करे इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये, क्योंकि इसके ऊपर हमें एंटी लॉग में सॉल्व करना पड़ता है, बाद में पढ़ेंगे। अब ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जस्ट बताने के लिए बताया था आपको, क्योंकि अगर हम वो एग्जाम्पल लेते रहे तो हमारा पूरा लॉग टेबल नहीं खत्म होगा, फिर वही हम उसी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हमें अगर समझो लॉग, ठीक है, बेस के समझो यहाँ पे लिया है 0.2357। अब यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे तो पॉइंट के पहले कुछ भी अर्थ नहीं है ना, सभी पॉइंट के बाद ही, तो यहाँ पे क्या होगा बताएंगे, यहाँ पे होगा 1.3724, सभी वैल्यू आ जाएगी, समझो 2 0 है तो 2 बार आएगा, इससे आ गया समझो वैल्यू लॉग बेस के 0.2357, यहाँ पे क्या आएगा बताएंगे 2 बार 0.3724, ठीक है। जितने ज़्यादा 0 बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आंसर भी बढ़ेगा ना आपका, ठीक है। जो आंसर निकलेगा वो उसमें क्या होगा, जैसे देखो 2 0 आ गए यहाँ पे 2 बार, 3 0 आ गया तो 3 बार, 4 0 आया तो 4 बार, ठीक है, ये हो गया लॉगरिथम। मैंने जस्ट आपको बताया, थोड़ा सा बताया, क्योंकि हम एग्जांपल जब चालू करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये एग्जांपल लगे तो रुक के रखिए, सॉल्व करके देखना, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया लॉग, ठीक है। हमारे पास 3 बातें रहें मेरे अपने आपको, क्या देखो फर्स्ट तो कौन सी है, आपको क्या देखना है इसमें पॉइंट के पहले कितने नंबर, ठीक है, उसके ऊपर से हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं मेंटेस है, देन उसके बाद क्या देखते हैं मीन, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 बातें आपको इसमें लॉग टेबल में रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हमें पढ़ना है एंटी लॉग, क्या पढ़ना है एंटी लॉग। एंटी लॉग का मीनिंग होगा कि दुश्मन ने क्या अपना, समझो दुश्मन है, देखो दुश्मन मीन्स कैसे, अगर हम उसके जैसे कुछ करना है, ठीक है, अगर हमने ऐसा किया कि ना हमारे को यहाँ पे जाना है, तो क्या बोला, नहीं यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे, ठीक है, कैसे होता बताया गया, मीन्स उसके हमारे अपोजिट जो थिंकिंग करता है, ठीक है ना, हम जैसे थिंकिंग करते हैं उसके अपोजिट अगर थिंकिंग करना था, करने वाला था, उसको क्या बोलेंगे हम, कि फेवर वाले फेवर है। सेम यहाँ पे आप जैसे लॉग रहता है उसी प्रकार से एंटी लॉग रहता है, एंटी लॉग मीन्स उसके अनफेवर में, मीन्स वो फेवर में रह जाएगा ना, जो से अपोजिट में रहेगा, तो पर्टिकुलर क्या आता है, जैसे देखिए जो लॉग में होता है वही एंटी लॉग में उसके अपोजिट होता है,
ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो जैसे आप जो आपके आंसर निकले हैं आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। अब मैं वो भी बता देता हूँ, ये हम तो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल जो आप आपने समझा, ठीक है, मुझे नहीं पता बट आप ध्यान में रखना कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो बाद में या आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। अब देखते से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग बेस 10, ठीक है, 2357, ठीक है, ध्यान दीजिए। इक्वल्स टू आपका आंसर कितना निकला देखिए, 3.372, ओके, याद तो होगा, समझा आपको। अब बोलेंगे सर एंटी लॉग तो क्या है, देखिए ना एंटी लॉग, तो देखिए एंटी लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये टू नंबर दिया, देखो फर्स्ट एक ये मिनटिस और ये मिनटिस, इसमें भी वही रहता है बट ये टू नंबर है ना, ये देखिए पॉइंट में, आप देख लीजिए इसमें जो कुछ नंबर दिए सभी पॉइंट में नंबर दिए, पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, मीन्स ये जो नंबर रहेगा सभी आप क्या देखेंगे, सिर्फ ये नंबर देखेंगे, ठीक है। बट उसके पहले मुझे थोड़ा सा तो आपको बता रहा है, मुझे बताइए सपोज ये लॉग बेस 10 को अगर आप इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, बोलो हाँ, लॉग बेस 10 को अगर आप इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, सपोज आप ये वैल्यू इस साइड लेके गए, यहाँ पे क्या करो 2357 इक्वल्स टू 10 to the power 3.372, इसको आप क्या बोलते बताइए, एक्सपोनेंट, ठीक है, ठीक है, ये लॉग है, लॉग को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब आपको मुझे बताइए 10 to the power 3.372 को अगर करेंगे तो आपको इसका आंसर ये करके देखना, आपको इजीली समझ जाएगा कि क्यों, क्योंकि देखिए जैसे 10 to the power 3.372 को अगर करेंगे तो आपका यह आंसर निकलता है, बट आप सभी को कंफ्यूजन यही होगा सर हम कैसे निकाल सकते 10 to the power 3.372 को, हाँ 10 to the power 3 लग रहा हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, पर पॉइंट का कैसे कर सकते हैं, ये तो आपको लग रहा है ना, इस हम पॉइंट का कैसे कर सकते हैं, हमें पॉइंट तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो फिर यहाँ पे यही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 जो रहता है ये हमें पता नहीं रहता, ठीक है, 10 to the power बराबर है, तो यही तो कंसेप्ट पढ़ना है हमें कि 10 to the power का मीनिंग होता है एंटी लॉग, क्योंकि देखिए लॉग एंटी लॉग लॉग, क्योंकि देखिए लॉग था यहाँ पे लाया गया है, लॉग हो जाता है इस साइड गया तो क्या होता है पावर हो जाता है, और ये जो पावर रहता है इसको आप क्या बोलते हैं एंटी लॉग, इसको क्या बोलते हैं हम एंटी लॉग, ये ध्यान में रखना। अब देखिए अब हम एंटी लॉग में ये जो लॉग बेस 10 दिया है तो इसी को क्या बोलते हैं हम बताएंगे एंटी लॉग बेस 10 3.372 को क्या लिखा मैं देखिए एंटी लॉग बेस 10 3.372 को। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए जैसे यहाँ पे एंटी लॉग तो ठीक है सर आपने ये बता दिया हमें 10 to the power 3.372 को ये जो मीन वैल्यू है ये वैल्यू में कंसेप्ट क्या बताया आपने एंटी लॉग बेस 10 बताया बराबर है बेस 10 में है इसलिए पावर में ध्यान में रखना यहाँ पे बेस में ई रहा था यहाँ पे क्या होगा ई टू द पावर हो जाता है यहाँ पे बेस में टू रहा था टू टू द पावर हो जाता है ठीक है ये ध्यान में रखना है कंसेप्ट ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी एंटी लॉग 3.372 को जैसे हम लॉग में क्या करते थे पॉइंट के पहले वैल्यू देखते थे अब हमें क्या देखना है पॉइंट के बाद की वैल्यू समझे देखो हम लॉग में क्या किया था हमने पॉइंट के पहले जितनी वैल्यू उतनी लिखते थे बराबर है ना अब हमें क्या करना है पॉइंट के बाद की वैल्यू किसी वैल्यू अब हम क्या करेंगे एंटी लॉग में कहाँ पे देखेंगे देखिए यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नंबर दिए आपको सभी नंबर देखिए ये सभी नंबर पॉइंट के बाद के 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.11 0.13 0.15 ऐसे नंबर दिए सब। अब ये सभी नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सभी नंबर में पॉइंट कॉमन है सभी नंबर देखिए इस सभी नंबर में पॉइंट तो कॉमन है तो फिर यहाँ पे भी वही देखते देखिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.37 ये नंबर देखिए 0.37 जो नंबर है उसको 0.37 आप किसमें देखेंगे 2 में देखेंगे मेंटेस और 4 में देखेंगे मेन देखना। अब देखिए ध्यान दीजिए अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे देखेंगे देखिए जैसे जो नंबर दिए ठीक है ध्यान दीजिए ये जो नंबर है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 0.37 अब 0.37 कहाँ पे ये देखो यहाँ पे नंबर दिया है 0.37 का इसमें देखते हैं 2 में मेंटेस आ देखते ठीक है
0.37 टू में मेंटेन और फोर में क्या देखते हैं आप नहीं ठीक है जीरो पॉइंट थ्री सेवन ठीक है ये जो बन गई है यहाँ पे आप क्या देखते हैं टू में मेंटेन ठीक है टू में मेंटेन यहाँ पे यहाँ क्या देखेंगे टू थ्री फाइव में देख लीजिए 37 का टू में टू थ्री फाइव में टू थ्री फाइव फाइव उसके बाद जीरो पॉइंट थ्री सेवन का देखना आपने टू में टू थ्री फाइव है उसके बाद फोर में मेन डिफरेंस देखिए फोर वैल्यू का आपने देखिए फोर में मेन डिफरेंस देखो 0.37 ठीक है उसके बाद नंबर कितना है देखो टू थ्री फाइव है उसके बाद फोर में मेन डिफरेंस फोर में मेन डिफरेंस देखेंगे तो आपका टू ठीक है यहाँ पर प्लस टू अब फाइव प्लस टू सेवन फाइव थ्री एंड अब ये जो नंबर दिया है आपको ठीक है अब ये जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पे लिख लीजिए इसमें इसमें क्या लिखा हूँ टू थ्री फाइव सेवन लिखा मैंने यहाँ था हाँ अब ये जो वैल्यू है यहाँ आपने क्या किया इसको सॉल्व कर दिया इसको सॉल्व किया सर ये वैल्यू क्या करे देखो आपने इसको सॉल्व किया इसका आंसर क्या निकला अब इसका काम देखो अब इसका काम यहाँ पे थ्री दिया है थ्री में एक प्लस कर दीजिए थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर फोर करके अब पॉइंट लिखिए देखिए इसके वन टू थ्री फोर इसे यहाँ पे पॉइंट लेने की जरूरत है वैल्यू आया क्या समझ में क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है पॉइंट के पहले का पॉइंट के पहले जो वैल्यू रहती है उसका काम कब पड़ता है आपको पता है क्या आंसर निकल गया आंसर निकलने के बाद हमें पता चल जाता है यहाँ पे थ्री दिया था थ्री प्लस वन फोर वैल्यू के बाद पॉइंट लीजिए लॉग में क्या होता था वैल्यू के ऊपर से फोर लेकर निकालते थे कैरेक्टर ठीक है ना तो देखो टू थ्री यहाँ पे कितने लिखे वन टू थ्री फोर फोर में से माइनस किया थ्री लिखा यहाँ तो सेम हो गया जैसे यहाँ अब सभी नंबर में यहाँ पे सॉल्व कर ठीक है ध्यान जैसे ये नंबर है ना एंड लॉग बेस एंड लॉग बेस थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू फोर इक्वल्स टू ठीक है थ्री पॉइंट थ्री सेवन टू फोर इक्वल्स टू आंसर क्या आता है देखिए टू थ्री फाइव सेवन सिमिलरली एंटी लॉग ठीक है यहाँ पे आता है टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री सेवन टू फोर से यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे क्या होता रहेगा टू थ्री फाइव सेवन का एंसर रहेगा ठीक है टू थ्री फाइव सेवन रहेगा ही रहेगा सिर्फ यहाँ पे टू दिया इसलिए वन टू थ्री थ्री के बाद पॉइंट दीजिए उसके बाद एंटी लॉग वन पॉइंट थ्री सेवन टू फोर सेम यहाँ पे क्या हो देखो टू थ्री फाइव सेवन तो लिखना ही पड़ेगा आपको सिर्फ यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या हो देखो वन प्लस वन यहाँ पे टू नंबर दे दीजिए टू के बाद फिर उसके बाद एंटी लॉग एंटी लॉग ठीक है यहाँ पे जीरो है जीरो लिखता हूँ थ्री सेवन टू फोर ठीक है अब यहाँ पे क्या हो देखो थ्री सेवन टू फोर जीरो दिया तो वैल्यू लिख दीजिए ना पहले टू थ्री फाइव सेवन वैल्यू लिखी मैंने तो यहाँ पे जीरो प्लस वन जिस यहाँ पे वन के बाद कोई नहीं सेम यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा देखो एंटी लॉग तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे जो टर्म है वन बार ठीक है अब आपको क्या करना है वन बार को सॉल्व करना ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बहुत बढ़िया है एक नंबर है ठीक है वन बार ठीक है पॉइंट थ्री सेवन टू इक्वल्स वन बार मिस होता है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव सेवन ठीक है यहाँ पे क्या आएगा तो जीरो पॉइंट टू थ्री फाइव सेवन लिख लीजिए आएगा समझ में ठीक है देखो ठीक है ना ये यही है और यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे टू बार में जीरो पॉइंट जीरो वैल्यू लिख लेना टू थ्री फाइव सेवन ठीक है लिखो देख लीजिए क्योंकि देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको लॉग और एंटी हम सामने का भी देख लेते ठीक है ना देख लीजिए ठीक है ना ये हो गया हमारा हमारा बहुत ज्यादा टाइम चला गया लॉग और एंटी लॉग में देखने के लिए ठीक है हम इसके सामने का मिस जैसे देखिए हमें इसके सामने लॉग एंटी लॉग हो गया उसके बाद हमें पढ़ना है नेचुरल साइन क्या होता है लॉग है ये टेबल ही है ना हम देखते हैं सब ठीक है उसके बाद हमें दिया है नेचुरल कोसाइन दिया है उसके बाद दिया नेचुरल टेंजेंट दिया है
उसके बाद लॉगरिथमिक साइन दिया है, ठीक है ना, उसके बाद लॉगरिथमिक कोसाइन दिया है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, चलिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, कुछ भी डिफिकल्टी है आपको तो ये यहाँ पर मैं नंबर लिख कर 9766250275, ठीक है, आपको मेरा नाम भी बता दो, मैं यहाँ पर नाम भी लिखे रखता हूँ, ठीक है, हर्षित सर, ओके, ये नंबर लिख के रखिए, कुछ भी डिफिकल्टी है आपको तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा हम जो कंसेप्ट चल रहे हैं लॉगरिथमिक, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो देखिए जो मैथ लेंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और जो मैथ नहीं लेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, इसलिए सभी जन ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करें, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल मैंने चालू नहीं किया, न्यूमेरिकल चालू करूँगा मैं, बट सबसे पहले हम लॉग टेबल के बारे में, ठीक है, ओके, थैंक यू, चलिए।